ஏழாவது தசகம் ஹிரண்யகர்ப்ப உற்பத்தி ராகம் சாந்த்ரானந்தா ராகம். ஏவம் தேவ சதுர்தசாத்மக ஜகத் ரூபேன ஜாதஃ புனஹ தஸ்யோர்த்வம் கலு சத்யலோக நிலையே ஜாதோசி தாதா ஸ்வயம் यम शंसंधि हिरण्यगर्भम अखिल त्रैलोक्य जीवात्मकम् यो भूत स्पीतर जो विकार विकसन नानासी सृक्षारसः सोयम् विश्व विसर्ग दत्त हृदयः संपश्यमान स्वयं बोधम् खल्वन वाप्य विश्व विषयम् चिंताकुलस्तस्त திவான் தாவத்வம் ஜகதாம் பதே தபதபேத்யேவம் ஹி வைகாயசி வாணீ மே நம சிஸ்ரவ ஸ்ருதி சுகாம் குர்வம் ஸ்தப பிரேரணாம் கோசௌ மாமவதத் புமானிதி ஜலா பூர்ணே ஜகன்மண்டலே दीक्षोद्वीक्ष्य किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यं वर्षसहस्रमाततपसा तेन द्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसीश्वनिलयं वैकुण्ठ मेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्यो बहिः शोक क्रोध विमोह साध्वसमुखाः भावास्तु दूरंगताः सांद्रानंद जरी च यत्र परमज्योतिर्प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितं विजयते वैकुंठ रूपं विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमने श्यामावदातत्विशो नानाभूषण रत्न दीपित दिशो राजत्विमानालयाः भक्ति प्राप्त तत्ता विधोन्नत पदाः दिव्यन्ति दिव्याजनाः तत्ते धाम निरस्त सर्वशमलं वैकुंठ रूपं जयेत् नाना दिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मादन हृदय गात्रलतया विद्योतिता शांतरा त्वत्पादाम्बुज सौरभैक कुतुका लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्य विभवा तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रदिदर्शिते निचपदे रत्नासनाध्यासितं भास्वत्कोडिलसत्किरीडकडकाद्याकल्पदीप्राकृति श्रीवत्साङ्कितमातकौस्तुभमनिच्छायारुणं कारणं विश्वेशां तव रूपमैक्षत विधिः तत्ते विभो भातु मे कालाम्भोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दहसित स्यन्दप्रसन्नाननम् राजत्कम्बुगदारि पङ्गजधर श्रीमद्भुजामण्डलम् स्रष्टुस्तुष्टिकरं वभुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासये दृष्ट्वा संभृत सम्भ्रमकमलभूः त्वत्पादपाथोरुहे हर्षावेशवशं वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदापादय
द्वैताद्वैत भवत् स्वरूप परमिति आचष्टतं त्वां भजे। आताम्रे चरणे विनम्रमथतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भवितान सर्ग विधिभिः बन्धोऽपि सञ्जायते। इत्याभाष्य गिरं प्रतोष्य नितरां तच्चित्तगूढस्वयम् सृष्टौ तं समुदैरयस्स भगवन् उल्लासयोल्लाघताम्। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम्। गोविंदा गोविंदा गुरुवायूरप्पा चरणम्।